हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवाना सिंधी, स्वागत है आपका क्लासिक तड़का में। तो आज हम बनाने वाले हैं मैंगो हलवा। ये बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है और इसको बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ये फटाफट से बनकर रेडी हो जाता है। मैंगो हलवा कई अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है, तो मैं आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। ये हमने कढ़ाई ले ली है और गैस की फ्लेम को हमने स्टार्ट कर दिया है। इसके अंदर हम 1 लीटर जितना दूध ऐड करेंगे। ये मेरे पास मलाई वाला फुल फैट मिल्क है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो हमने 1 लीटर जितना दूध ले लिया है, इसको अच्छे से हम गर्म होने देंगे उबाल आने तक। आप देख सकते हो कि इसमें उबाल आ चुका है, तो हम गैस की फ्लेम को मीडियम स्लो कर देंगे और इसको अच्छे से उबलने देंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। ठीक है, दूध उबल रहा है तब तक हम मैंगो की कटिंग कर लेते हैं। देखिए, मैंने मैंगो ले लिया है और उसका हम छिलका उतार लेंगे। मैंगो को हमने पहले वॉश कर लिया था और छिलका उतारने के बाद उसको हम कट कर लेंगे। इसको हमें ग्राइंड करना है, तो आप जैसे भी चाहे आप कट कर सकते हो। देखिए, इसको कट करने के बाद इसको मिक्सी के जार में हम डाल देंगे और उसका पेस्ट बना देंगे। पेस्ट बनाने के लिए हमें इसमें कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता, ना पानी का ना दूध का, हमें डायरेक्ट इसका पल्प चाहिए। तो हम इसको, देखिए हमने कट कर लिया है, अब इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मैंगो का हलवा आप कई तरीक़ों से बना सकते हो, उसकी बहुत अलग अलग रीत होती है। तो देखिए, ये हमने इसका पेस्ट रेडी कर लिया है और देखिए दूध भी अच्छे से उबल रहा है। इसको हम चम्मच चलाते जाएंगे और दूध को थोड़ा हम गाढ़ा होने तक उबालते रहेंगे। इस हलवे में आप सूजी भी ऐड कर सकते हो आप चाहो तो, उससे ये थिकनेस इसकी ज़्यादा हो जाएगी। ये हमने 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर ले लिया है और 1/4 से भी बिल्कुल कम, यानी 1 चिपटी जितना हमने तज का पाउडर लिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और इसको देखिए, अब अच्छे से उबल उबल कर ये कम हो चुका है। अब जो हमने मैंगो का पल्प रेडी करके रखा था, उसका पेस्ट बनाकर वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। देखिए, चम्मच चलाते रहिए, इसको अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि इसमें बिल्कुल भी लम ना रहे और सब एक सरखा हो जाए। देखिए, आप देख सकते हो कि हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल एक सरखा हो चुका है। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाओगे वैसा ये गाढ़ा होता जाएगा। देखिए, आप देख सकते हो कि इसकी थिकनेस बनने लगी है। अब इसके अंदर हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ये मेरे पास मिल्क पाउडर है, मैंने 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर हम कम लगेगा तो बाद में फिर दूसरा भी ऐड करेंगे। इस टाइम पे आप सूजी भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें स्वाद के मुताबिक शुगर ऐड करेंगे, यानी कि चीनी। मैंने इसके अंदर 4 से 5 बड़े चम्मच शुगर ऐड की है और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप जैसा भी मीठा खाना पसंद करो उसके हिसाब से आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हो। और चीनी डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम पकाते रहेंगे। चीनी ने भी अपना पानी रिलीज़ किया है, तो इसको हम अच्छे से पकने देंगे जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे अगर लगेगा तो फिर से मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड करूंगी। तो फिर से मैं 4 से 5 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूं और उसको डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ये हलवे की आपको मैं फिर एक और टिप्स और ट्रिक देती हूं। अगर आप इसमें अगर का पाउडर डाल दोगे तो ये बिल्कुल बर्फ़ी की तरह जमकर रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें लास्ट में 2 से 3 चम्मच शुद्ध घी ऐड करेंगे और घी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हम स्लो फ्लेम पर ही इसको पकाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए, और ढक्कन को ढक देंगे क्योंकि ये उड़ने लगता है तो छींटे आप पर भी उड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। देखिए, अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। अब हम इसके अंदर, मैंने मैंगो के छोटे छोटे इस तरीके से टुकड़े कट कर लिए हैं। ये डालने के बाद इसको फिर से हम हला लेंगे और हम इसको सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। इसको ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। ये हमारा हलवा रेडी हो चुका है। देखिए, आप देख सकते हो, अब ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। तो आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें। और ये हमने ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं। मैंने थोड़े काजू और थोड़ी काली द्राक्ष ऐड की है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप इसमें डाल सकते हो। अब इस हलवे को आप ठंडा करने के लिए रख दीजिए। अगर आप चाहो तो इसे गर्मा गर्म भी आप चाहो तो खा सकते हो, लेकिन ये ठंडा करने के बाद बहुत मज़े का और टेस्टी लगता है। तो आप सब भी बनाइए और अपनी फैमिली मेम्बर को खिलाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये मैंगो हलवे की रेसिपी कैसी लगी। और आप इस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। और नई नई रेसिपी जानने के लिए मेरी चैनल क्लासिक तड़का के साथ बने रहिए। और अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरी चैनल क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो ऐसे, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ऐसे, और फिर लाइक करो ऐसे।